राजा का महासंग्राम बना महाविनाशक। युद्ध में फटा हड्डी गलाने वाला बम। इजराइल ने गाजा को बनाया शमशान। इजराइल ने कसम खाई है कि हमास को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन अब बात हमास से भी आगे निकल गई है और इजराइल की सेना ने तय कर लिया है कि दुनिया के नक्शे से गाजा का नामो निशान मिटा देंगे और इसीलिए लगातार समंदर से मिसाइल चल रही हैं। इजरायली वायुसेना हवा से बमों की बारिश कर रही है और गाजा पट्टी के आसपास तैनात टैंकों और तोपखानों से विनाशक गोले दागे जा रहे हैं और इजरायल का दावा है कि इन सभी हमलों के निशाने पर है सिर्फ और सिर्फ हमास आतंकियों के ठिकाने। क्या इजरायल फॉस्फोरस बम फोड़ रहा है? क्या इजरायल ने हड्डी गलाने वाला बम चलाया? क्या इजरायल ने वॉर क्राइम को अंजाम दिया? इजरायल और हमास के बीच चल रही भयंकर जंग में इजरायल पर गाजा में फॉस्फोरस बम फोड़ने का आरोप लगा। हालांकि अब तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है जिनसे इन आरोपों की पुष्टि की जा सके। अब तक सिर्फ फिलिस्तीन के आरोप हैं कि उनके जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किए गए कुछ वीडियो हैं, जिसमें आरोप लगाया कि गाजा में इजराइल की एयरस्ट्राइक के दौरान हड्डियों को गला देने वाला फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया। क्या है ये फॉस्फोरस बम और क्यों वॉर जोन में इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि फॉस्फोरस वो एलिमेंट है जो हमारे शरीर में भी पाया जाता है और किसी भी और एलिमेंट की तरह फॉस्फोरस की भी शरीर में कमी हो जाए तो इंसान के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ जिस बम की बात हो रही है उसमें वाइट फॉस्फोरस इस्तेमाल होता है और ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि अगर ये फटा तो तीन चीजें होती हैं और तीनों इंसान के लिए जानलेवा होती हैं। पहली चीज होती है कि फॉस्फोरस बम ऑक्सीजन के संपर्क में आकर फटता है और आसपास के ऑक्सीजन को सोख लेता है, यानी लोगों की दम घुटने से मौत हो जाती है। दूसरा, फॉस्फोरस बम के जमीन पर संपर्क में आने के साथ ही इतना गहरा धुआं पैदा होता है जिसमें सांस लेने से शरीर के अंदरूनी अंग कुछ ही पलों में खराब हो जाते हैं और लोगों की मौत हो जाती है। तीसरा और सबसे खतरनाक, फॉस्फोरस बम में जब विस्फोट होता है तो वो 1300 डिग्री सेल्सियस तक की आग पैदा करता है और इतने ज्यादा तापमान में इंसान की हड्डियां तक गल जाती हैं, इसीलिए इसे हड्डियां गलाने वाला बम भी कहते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस और फॉस्फोरस में बहुत फर्क है। व्हाइट फॉस्फोरस एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है और व्हाइट फॉस्फोरस में रबर का मिक्स किया जाता है, एक वैक्स लाइक सब्सटेंस वो उसको बनता है, उसके बाद वो एक एक्सप्लोसिव की तरह एक बम में कन्वर्ट किया जाता है। हमास के इसराइल पर हमले के बाद इसराइल ने गाजा पट्टी पर हजारों मिसाइलें दागी और गाजा शहर की हालत ऐसी कर दी मानो वो शमशान हो, क्योंकि वहां दिन रात हमले हुए जिससे ऊंची ऊंची इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं और गाजा शहर पर धमाके का काला धुआं छाया रहा। लेकिन इसी बीच गाजा में फॉस्फोरस बम के इस्तेमाल का दावा किए जाने का आरोप लगा और सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए उसके आधार पर ये आरोप लगाए गए। आखिर क्या है सच्चाई? क्या इजराइल ने वाकई गाजा में फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया? बम स्मोक ही स्मोक दे रहा है। अब ये गिरने के बाद मैं देख रहा हूं कि अभी स्मोक आपका शुरू हो गया है। अभी जहां पे यहां पे अटैक हुआ है ये ग्राउंड का जब इसका कॉन्टैक्ट हुआ है तो स्मोक स्क्रीन में देख सकता हूं। तो मैं इस वीडियो को देखने के बाद ये
रूल आउट नहीं कर सकता हूं कि ये वाइट फॉस्फरस है या नहीं है, बिकॉज जो इसका केमिकल एनालिसिस है वो ही इसकी फाइनल वर्डिक्ट आपको दे पाएगा कि ये वाइट फॉस्फरस यूज हुआ है कि नहीं। वैसे इसराइल पर पहले भी गाजा में ये खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने के आरोप लग चुके हैं, क्योंकि 1980 में इस बम के इस्तेमाल से जुड़ा जो समझौता हुआ था, इसराइल ने उस पर कोई साइन नहीं किए थे, जिसके बाद उस पर 2008 से 2009 में गाजा पट्टी में फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था, जबकि इस बम पर 1980 में ही सीमित प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, जिसके तहत तय किया गया है कि अगर इस बम का इस्तेमाल रिहायशी इलाकों में हुआ तो इसे केमिकल अटैक माना जाएगा और उस देश के खिलाफ वॉर क्राइम के तहत कार्रवाई हो सकती है।